आप सभी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके पूरे चेहरे के फेशियल हेयर को मिनटों में रिमूव करेगी और यदि आपके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा हेयर की प्रॉब्लम है तो यदि आप इस रेमेडी को वीक में एक से दो बार ट्राई करते हैं तो परमानेंटली आप अपने फेशियल हेयर की प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे फ्रेंड्स ये होम रेमेडी आपके चेहरे के अनचाहे बालों को तो दूर करती ही है रिमूव करती है साथ ही आपके चेहरे पर एक चमक भी लेके आती है जैसे कि सर्दियों में यदि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है स्किन बहुत ज़्यादा बेजान रूखी सूखी दिखाई देने लगती है तो इस तरीके की ये होम रेमेडी हम अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फेशियल हेयर है वो तो रिमूव होएंगे, होएंगे ही ही फ्रेंड साथ ही स्किन पर एक बहुत ही अच्छी चमक आने वाली है सो आज का ये रेमेडी आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल होने वाला उन सभी के लिए जिन लोगों को चेहरे पे अनचाहे बालों से बहुत ज्यादा परेशानी है और उनकी ग्रोथ बहुत हैवी हो जाती है बहुत जल्दी जल्दी फेशियल हेयर है आते हैं फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा एंड जरूरतमंदों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही फ्रेंड्स आप मुझे यदि पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को फिर बैलाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी आप इस तरीके की इजी एंड अफेक्टिव स्किन केयर से रिलेटेड और वीडियो देख सकें तो देरी किस बार की फटाफट से आइए चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले सेम फ्लेम पे मैंने रख लिया है तवा और उसके ऊपर रखी है एक स्टील की कटोरी क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ एक चम्मच के करीब शहद तो सर्दियाँ हैं फ्रेंड्स शहद थोड़ा जम जाता है तो उसको पिघलाने के लिए यहाँ मैं गर्म तवे वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ उसके बाद शहद में फ्रेंड्स आधा चम्मच के करीब ही मैं चीनी ऐड कर दूँगी और जब ये मेल्ट होने लगेगा पिघलने लगेगा शहद तो चीनी भी उसमें घुलने लगेगी आप चाहें तो डबल बॉयलर मैथड या फिर माइक्रोवेव भी कर सकते हैं शहद और चीनी को इस तरीके से इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें आधा नींबू का रस जो पूरा है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो हम रेमेडी बना रहे हैं ये हम होममेड वैक्स बनाएंगे जो लेमन होता है अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं तो उनके दाग धब्बों को ये हल्का करता है लाइटन अप करता है स्किन को स्पॉट ना देता है इसके बाद फ्रेंड्स तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चीनी यहाँ घुल जानी चाहिए शहद और नींबू के रस में यदि आपके पास टाइम कम है तो आप किसी हुई चीनी का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने इस होम मेड वैक्स को बना लिया है और इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें एक विटामिन ई e कैप्सूल का ऑयल ऐड कर दूंगी यदि आपके पास विटामिन ई e कैप्सूल का ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल्स की भी डाल सकते हैं ये ऑयल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है स्किन में चमक लेके आता है यदि थ्रेडिंग वैक्सिंग करा करा के आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डल हो गई है तो इस तरीके की वैक्स यदि आप घर में करते हैं फ्रेंड्स तो आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी डल भी नहीं होगी और आपके चेहरे पर किसी तरीके के दाने भी नहीं होने वाले हैं बाहर के वैक्स कराने से कई बार हमारे फेशियल हेयर रिमूव तो हो जाते हैं लेकिन हमारे चेहरे दानों की समस्या हो जाती है आपने नोट किया होगा थ्रेडिंग कराने से अपर लिप्स कराने से कई बार हमारे उस जगह दाने निकल आते हैं क्योंकि हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और फिर उनकी हम ढंग से केयर नहीं करते हैं उनमें धूल मिट्टी जाती है तो हमारे वहां दानों की समस्या निकल आती है तो इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप अपने फेस की वैक्सिंग करेंगे मॉइस्चराइजिंग करेंगे जिस भी मेथड से बताऊंगी आप वैसा सेम करेंगे तो आपको हंड्रेड परसेंट रिजल्ट मिलने वाला है और आपके फेशियल हेयर से आपको छुटकारा मिलने वाला है चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होंगे और चेहरे पे किसी तरीके की परेशानी भी नहीं हो तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी होममेड वैक्स बनके तैयार हो गई है इसे फेस पर कैसे अप्लाई करना है जिससे आप अनचाहे बालों से छुटकारा पाए चलिए आइए वो भी देख लेते हैं जब आप इस वैक्सिंग को अपने फेस पर करेंगे तो उससे पहले आप अपनी स्किन को सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे साफ कर लेंगे क्लीन कर लेंगे यहाँ पर वॉश करने के लिए आप डी आई सोप या फिर किसी भी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैं वेट वाइप की हेल्प से अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी मेरे फेस में यहाँ कोई भी मेकअप धूल मिट्टी पल्यूशन नहीं है इसके

यदि आपको फुल फेस की वैक्सिंग करनी है तब आप इस होममेड वैक्स को अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लेंगे तो so, घर की ही ही चीज़ों से 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 हम अपने अनचाहे बालों फ्रेंड्स बहुत आसानी नेचुरली तरीके से छुटकारा पा सकते हैं ये जो हमने होममेड वैक्स बनाई है इसमें जो भी चीजें लगी हैं वो सारी हमारे किचन में इजिली अवेलेबल हैं फेशियल वैक्स कराने में फ्रेंड्स हमारे बाहर ढेरों पैसे खर्च हो जाते हैं लेकिन इस वैक्सिंग को अगर यदि आप फेस पे घर पर ही करते हैं तो आपका पैसा यानी कि आपका खर्च ना के बराबर होता है और पार्लर में जाने का यदि आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरीके से घर में ही यदि आप अपना फेस की वैक्सीन कर लेते हैं तो आपका समय एंड पैसा दोनों सेव होता है सो so, बहुत ही आसान तरीका है घर में ही अपने फेस की तरीके से फेसिंग करने का इस तरीके की वैक्सीन तो नहीं जाने देती हैं कि नहीं करानी है और वो अपने फेशियल हेयर से बहुत ही ज्यादा परेशान है उनके अपर लिप्स एकदम दाढ़ी मुंह जैसे नजर आने लगते हैं छोटी सी एज में तो ये बहुत ही आसान तरीका है टीन के लिए एकदम बेस्ट वे है अपने फेशियल हेयर से छुटकारा पाने का सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस वैक्स को अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है आप देख सकते हैं इसे हमें ज़्यादा सुखाना नहीं है इसके बाद फ्रेंड्स आप इसी के ऊपर जो ये मैंने स्ट्रिप्स बनाई थी वाइब्स की कट करके उसको इस तरीके से आप टच करके से तो दबाएंगे डैप डैब करेंगे ठीक है जब ये अच्छे से चिपक जाएगी आपकी इस वेस्ट के ऊपर उसके बाद अपवर डायरेक्शन में आप जब इस स्ट्रिप को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फेशियल हेयर है जो अंचा है बहाल जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद आता आपके चेहरे पर वो एकदम से रिमूव हो जाएगा फ्रेंड्स फेस पे बहुत सारे बाल हो जाते हैं तो कई उसके कारण कई बार हम नारा कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा काला नजर आने लगता है तो कई बार उसके लिए हम फेस पर ब्लीच भी करते हैं तो इस तरीके से फ्रेंड्स फेस पर ब्लीच भी होगी क्योंकि इसमें लेमन हमने ऐड किया है फेशियल हेयर भी रिमूव होगा और आपकी स्किन का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा फेयर लगने लगेगा क्योंकि स्किन पे से जब बाल हट जाते हैं फेशियल हेयर रिमूव हो जाते हैं तो स्किन काफ़ी ज़्यादा गोरी चिट्टी नज़र आने लगती है तो इस तरीके से एक एक करते हुए मैंने अपने पूरे फेस के जो फेशियल हेयर हैं अनवॉन्टेड हेयर हैं बेबी हेयर हैं उन्हें मैं रिमूव कर लूँगी यदि आपकी नोज़ के अराउंड बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की भी प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आप रिमूव करेंगे तो आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे डेड सेल्स रिमूव हो जाएंगे आपको नोज पर किसी तरीके की ब्रशिंग कराने की जरूरत नहीं है आपकी स्किन एकदम क्लियर एकदम स्मूथ हो जाएगी सो so यहां डेप डेप करके जो बची हुई वैक्स फेस पर रह गई थी वो भी मैंने रिमूव कर दी है और वेट वाइप से यहां मैंने अपना पूरा फेस बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है आप चाहें तो गुनगुने पानी से भी अपना फेस वॉश कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा इसमें शहद था चीनी था तो फेस पर थोड़ा चिपचिपा पन्ना आ जाता है दूर करने के लिए आप अपने चेहरे को गुनगुने पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे इस होम मेड वैक्स को जब आप फेस पर अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखेंगे वैक्स थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए क्योंकि सर्दियां जम जाएंगी तो फैलाने में थोड़ी मुश्किल आएगी सो so जो जैसे मैं आपको बता रही हूं बिल्कुल वही मेथड आपको अपनाने हैं तो आप पक्का फेशियल हेयर से छुटकारा पा जाएंगे बहुत सारे कम लोग कमेंट करते हैं कि इससे तो कुछ नहीं होता ये तो बेकार है ये तो फालतू डालिए ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स नेचुरल होम रेमेडी है नेचुरल तरीके से ही काम करती है थोड़ा स्लो काम करती है पर इनके रिजल्ट हंड्रेड परसेंट मिलते हैं तो ऐसा कमेंट्स आप करते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि इनके रिजल्ट हमें मिल रहे हैं आपको भी मिलने चाहिए इसी वजह से ही ये रेमेडीज मैं आप सभी के साथ शेयर करती हैं। तो यहां मैंने अपना फेस कर लिया अच्छे से क्लीन फेशियल हेयर रिमूव हो गए हैं फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना आप बिल्कुल मत मजबूरी तो यहाँ मैंने डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड सेटाफिल डैम डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लिया है ये लोशन हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है तो वैक्सिंग करने के बाद फेस की आप भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर कीजिएगा जो आपके पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं उनको लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो इसलिए जब भी आप फेस की वैक्सिंग करें चाहे पार्लर में कराएं चाहे इस तरीके की होम रेमेडीज से भी करें अपने फेस की मॉइस्चराइजिंग करना बिल्कुल मजबूरी है देख सकते हैं कि मेरा चेहरा कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है नेचुरल तरीके से हेयर भी रिमूव हो गए हेल्पफुल एंड यूजफुल रही होगी सो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस तरीके की और इजी एंड अफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप मुझे पहली बार देख रहे तो मैं भी इस वीडियो का यहीं करने जा रही हूँ एंड जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खुद सारा ख्याल रखिए खुश रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग